पाकिस्तान में बैठ कर या पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी फॉरन कंट्री की मार्केट में रिसर्च करनी हो तो आप ये रिसर्च क्या करेंगे क्यों ये ज़रूरी है क्यों ये हम टॉपिक पढ़ें इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया मार्केटिंग रिसर्च का और मॉरलेस वही प्रोसेस होता है तो फिर हम इसको स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं उसकी वजह यह है कि डोमेस्टिक मार्केटिंग रिसर्च और इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में कंप्लेक्सिटी के हवाले से ज़रा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से जाननी चाहिए ताकि हम वहाँ पर भी उतनी ही इफ़ेक्टिवली ये रिसर्च कर सक कर सकें जितनी कि हम यहाँ अपने मुल्क में करते हैं मार्केटिंग तो पूरी दुनिया में एक तरह की है वही एक्टिविटीज़ होती हैं वही फोर पीज होती हैं उसी तरह से मार्केटिंग प्लानिंग होती है और अकॉर्डिंगली उसी तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है और हमारी जो रिसर्च है उस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है जो हमारे मार्केटिंग रिसर्च के डिसीजन इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं वो भी वही होते हैं लेकिन चंद एक इजाफी जो हैं वो डिसीजनस होते हैं मसलन हमें कौन सी मार्केट में एंटर होना चाहिए पूरी दुनिया मार्केट है हमारी लेकिन हमारी प्रोडक्ट के लिए कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्किट है किस मुल्क में हम जाएँ जहाँ पर हमारी प्रोफिटबिलिटी ज़्यादा हो जहाँ पर हम इजीली कम्पीट कर सकें जहाँ पर हमें इजीली चैनल मिल सके और बग़ैर वहाँ पहुँचे हुए भी हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें यानी हमारी मार्केट एंट्री किस मार्केट में होनी चाहिए और एंट्री की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं किस तरीके से एंट्र होना चाहिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं हम एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं वहाँ जा अपना ऑफिस भी बना सकते हैं वहाँ फैक्ट्री भी बना सकते हैं वहाँ एजेंट भी मुकर्र कर सकते हैं वहाँ डिस्ट्रब्यूटर भी मुकर कर सकते हैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेहतर होगी और प्रोडक्ट की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए और हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए और अगर हम बाद में उसको सब्सिक्वेंटली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए आ, असल में रिसर्च जब भी की जाती है ये हम पहले लेक्चर से आपको बता रहे हैं कि रिसर्च क्यों जा, की जाती है रिसर्च इसलिए की जाती है कि हमारे मार्केटिंग डिसंस जो हैं उसमें परफेक्शन आ जाए उसमें साउंडनेस आ जाए और उसमें कोई गलती ना हो क्योंकि फिर गलती का खमियाजा में भुगतना पड़ता है और अगर ये गलती हम डिसीजन मेकिंग में इंटरनेशनल मार्केट में करेंगे तो उस जो है गलती का रिस्क है या खमियाजा है बहुत बड़ा होता है तो डॉलर्स की शक्ल में होता है थाउजेंड्स मिलियन डॉलर्स की शक्ल में होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये मार्केट रिसर्च करनी चाहिए इसको कहते हैं टू अवॉइड द कॉस्टली मिस्टेक्स इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग और ना सिर्फ ये बल्कि ये है कि हमें रिसर्च ये भी बताएगी कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं कहाँ पर हमें अच्छी मार्केट मिल सकती है हमारी प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है और कंपटीटर के मुकाबले में अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट हम कहाँ बेच सकते हैं और अल्टीमेटली तो हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होता है तो ये वजह है कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हम मजीद जान लें ताकि हम उसको इफेक्टिवली कर सकें मार्केटिंग रिसर्च चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो स्टेप उसके वही हैं फ़र्क सिर्फ कम्प्लेक्सिटी में है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कॉम्प्लेक्स होती है पीचीदा होती है उसकी एक तो वजह ये है कि हम बाहर के मुल्क से फेमिलियर नहीं होते वहाँ का कल्चर वहाँ का लाइफ वहाँ के लोगों के नॉर्म्स और वहाँ की पसंद नापसंद इसका हमें पता नहीं होता वहाँ के इकनॉमिक हालात पॉलिटिकल हालात और टेक्नोलॉजिकल ये सारी चीज़ें जो हैं उससे हम फेलियर नहीं होते और उनको स्टडी करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए और हमें ज़्यादा इल्म चाहिए लेकिन मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस वही है देखिए बोला क्या है प्रोसेस प्रोसेस तो वही छः स्टेप हैं जो हम जानते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रॉब्लम मैनेजमेंट डायलमा क्या इस वक्त मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग क्या करनी है और किस क्रॉस रोड पे है मैनेजमेंट वो सोच रही है ये डिसीजन करें ये डिसीजन करें आपकी रिसर्च उनको सपोर्ट करेगी तो सबसे पहले तो ये टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट टू मेक देन फ्रॉम दैट डिस्कशन वी हैव टू डिफाइन आवर रिसर्च प्रॉब्लम एंड फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम वी हैव टू डिप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये हमारा दूसरा अहम जो है रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा होता है कि हमने डिस्कशन की मैनेज मैनेजमेंट के साथ भाई आपका क्या मसला है आपको क्या डिसइन करना है और आपको क्या डेटा चाहिए उससे हमने मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम बनाया उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए क्वेश्चंस की, की शक्ल में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्वेश्चंस हैं या पाथ्रेज़ हैं उसके बाद हम क्या करते हैं फिर हम सोचते हैं इसका रिसर्च डिज़ाइन क्या हो और उसमें सारी वो बातें जो आपको याद हैं कही ये डिस्क्रिप्टिव है एक्सप्लोरेटिव है कॉजल है फिर इसमें पॉपुलेशन क्या है इसमें सैम्पलिंग फ्रेम क्या है सैम्पलिंग मेथडोलॉजी क्या है इसमें सैम्पल साइज क्या है हम इसमें यह भी देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या हमारा डेटा कलेक्शन किस तरीके से हम करें प्राइमरी करें सेकेंडरी करें और इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए क्वेश्चनर इंटरव्यू या इसका जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत सारे जो हमें फ़ैसले करने होते हैं फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम बनाते हैं क्वेश्चनर को प्री टेस्ट करते हैं और प्री टेस्ट करने के बाद उसको हम फाइनलाइज करते हैं अगला जो काम हम करते हैं कि हम इसको कलेक्ट कैसे करेंगे फील्डवर्क कैसे बनाएंगे कितने लोग रखेंगे किस किस किस्म के लोग होंगे और इसमें जो है आपको जाहिर है कि उस कंट्री के लोग रखने पड़ेंगे जिस कंट्री में आपने ये रिसर्च करनी है आपका बंदा जो है वो उस लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है उन स्टाइल से वाकिफ नहीं है तो आप अपने बंदे नहीं भेजेंगे बल्कि वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो वहाँ की मार्केटिंग रिसर्च जो है वो करेंगे फील्ड में जाएंगे लोगों से मिलेंगे रिटेलर से मिलेंगे होलसेलर से मिलेंगे जिस जिस तरह के भी आपको रिसर्च करनी है तो वहाँ के लोग लोग रिक्रूट करने होंगे ट्रेन करने होंगे और वहाँ को उनको डिप्लाई करके आपको डेटा लेना होगा और फिर उसमें फील्ड वर्क को आपने किस तरह से सुपरवाइज करना है किस तरह से मॉनिटर करना है ये हमारी सारी चीज़ क्या कहलाती है फील्ड वर्क तो ये हम करते हैं कि फील्ड वर्क करेंगे और फिर जब फील्ड वर्क मुकम्मल हो जाता है डेटा कलेक्ट हो जाता है हेडकोर्टर में पहुंच जाता है फिर हम डेटा कंप्यूटर के हवाले कर देते हैं और स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगाकर उसमें उसका अनालिस करते हैं जो भी फिर रिपोर्ट निकलती है जो डेटा हमें बताता है कि ये फाइंडिंग्स हैं ये कंक्लूजनस हैं ये प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिसर्च रिपोर्ट की शक्ल में देखकर एक प्रोफेशनल रिपोर्ट हम बनाते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो क्लाइंट के सामने हम इसकी औरल प्रजेंटेशन भी करते हैं अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो है वो रिसर्च प्रोसेस में फॉलो करते हैं और एग्जैक्टली exactly यही चीज़ें जो हैं ये हम इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में भी करते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फर्क कंप्लेक्सिटी का है फर्क डिस्टेंस का है फर्क मैग्नीट्यूड का है फर्क लैंग्वेज का है फर्क लाइफस्टाइल्स का है कंडीशन का है कल्चर का है ये सारे फ़र्क होते हैं जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है अब हम देखते हैं कि कंप्लेक्सिटी और डायवर्सिटी से क्या मुराद है कंप्लेक्सिटी और डायवर्सिटी ये दो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च को डोमेस्टिक से जो है वो डिस्टिंक्ट करती हैं कंप्लेक्सिटी से क्या मुराद है पेचीदगी इतना सिंपलिसिटी नहीं होती जितना कि हम इसमें अपने डोमेस्टिक इन्वामेंट से हम वाकिफ होते हैं वहाँ बहुत सारी अजनबी चीज़ें होती और जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं पर्टिकुलरली मल्टी नेशनल कंपनीज उनमें बहुत सारी जो है वो पेचीदगियाँ होती हैं मिसाल के तौर पर वहाँ पर ऑपरेशन टेक प्लेस एट मच ब्रॉडर स्केल एक देखिए एक डोमेस्टिक फॉर्म है एक इंटरनेशनल फॉर्म है अब इंटरनेशनल फॉर्म के तमाम ममालिक में दफातर हैं फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ पर उनके मार्केटिंग सेटअप्स हैं उन्हें उन सबको देखना होता है डोमेस्टिक में तो छोटा सा है अपनी मार्केट है लोकल मार्केट है तो स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इज मच ब्राडर इन स्कोप एंड स्केल एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट इसी तरह से आपको रिसर्च भी डिजाइन करनी है उसी तरीके से करनी है क्योंकि इसमें जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं मैनेजमेंट की मार्केटिंग की वो बहुत ज्यादा होती है और लोकल में कोई ऐसा मसला नहीं होता मिसाल के तौर पर वहाँ पर एडिशनल चीजें जो होती हैं वो लाइसेंसिंग होती है फ्रेंचाइजिंग होती है डोमेस्टिक में नहीं होता यहाँ तो अपने ऑफिस होते हैं आपको फ्रेंचाइज देने की कोई जरूरत नहीं होती और वहां पर क्या होता है वहां पर इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होते हैं लाइसेंसिंग होती है और इसके अलावा जॉइंट वेंचर होते हैं अलाइंस होते हैं ये सारी चीजें जो हैं ये एडिशनल होती हैं इसी तरह से जो एनवायरमेंट होता है वो तो बड़ा डाइवर्स होता है काफ़ी फैला हुआ होता है क्या होता है अब देखिए हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस में और इंटरनेशनल मार्केटिंग में कितनी किस्म की कंट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं डेवलप्ड हैं अंडर डेवलप्ड हैं डेवलपिंग हैं और इन सब का कल्चर जो है वो फ़र्क है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप की हैं यूएसए कनाडा है जापान है ये सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ जब आप रिसर्च करेंगे तो जो लेस डिवलप कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान है इंडिया है या ये अफ्रीका है वहाँ का आपका रिसर्च डिज़ाइन और होगा और क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी लेवल फ़र्क है यहाँ पर लोग जो हैं और तरह से सोचते हैं कल्चर डिफरेंट है तो इसलिए हमें डाइवर्सिटी का ख्याल भी रखना पड़ता है और बहुत सारी मार्केट्स हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है लेकिन वो ब्लाजमिंग हैं वहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं मसलन लातनी अमेरिका है जिसको लेटर अमेरिका कहते हैं और वहाँ की जो मार्केट्स हैं वो इस तरह से है कि बड़ी ग्रोइंग मार्केट्स हैं आबादी ज्यादा है और वहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है इसी तरह से कुछ जो है हमारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि थोड़ी सी अनसर्टन हैं लेकिन उनमें भी पोटेंशल बहुत है और तो रशिया है मिडल ईस्ट है तो इस तरह से डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है अपना रीजन लीजिए आप जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं यहाँ की मार्केट बड़ी वोलोटाइड है अफ्रीका में बड़ी इमर्जिंग मार्केट है तो इन तमाम जो मार्केट्स हैं वहां पर चेंज आ रहा है रैपिड चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड में और फिर ये कि तमाम ममालिक में ये एक अब ग्लोबल मार्केट बनती जा रही है तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल, सोशल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही तो डाइवर्सिटी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है इंटरनेशनल मार्केट की और इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट को भी चेंज करना पड़ता है हमें भी चेंज आनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू दंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द अनवामेंट ऑफ द कंट्री हमें यह देखना चाहिए अब जब आप जाते हैं मुख्तल ममालिक में वहाँ के लॉज फर्क हैं लीगल इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं इकनॉमिक इन्वायरमेंट जो चीज़ यहाँ पर आप आपको यहाँ पर जो है वो आ, मिसाल के तौर पर सौ रुपए की आप बेच सकते हैं बाहर शायद आप उसको बीस डॉलर की पच्चीस डॉलर की विच इज इक्वल पंद्रह सौ रुपये वो आप उसको बेच सकते हैं तो इस तरह से इसकी डायवर्सिटी और कंप्लेक्सिटी जो है इसका ख्याल रखना चाहिए और हमें जो अपने बनाने हैं क्वेश्चनर्स और जो डिजाइन बनाना है वो डिज़ाइन जो है वो हम इसके मुताबिक बनाएंगे और हम इन दो चीजों का ख्याल रखते हैं अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में डायवर्सिटी की और जीतें भी हैं ये तो हमने मैक्रो लेवल पर देखा ना ग्लोबल लेवल पर लेकिन जब आप कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ आपको बड़े अख्तलाफात मिलते हैं अपने लोकल इन्वयरमेंट से दूसरे जगह मिसाल के तौर तो पर कंज्यूमर टेस्ट फर्क है वहाँ पर उनके प्रेफरेंसेज बहुत हैं कंज्यूमर बिहेवियर बाइंग बिहेवियर से आप कहते हैं हम बहुत सारी दुकानों पर जाते हैं सोचते हैं नगोशिएशनस करते हैं फिर हम ख़रीदते हैं लेकिन बाहर एक आधे स्टोर पर जाते हैं ब्रांड लॉयल्टी है उनको पता है कि जो प्राइस लिखी हुई है यही प्राइस जो है वो फिक्स है वही वो पे करेंगे तो उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो फर्क है हमसे और वहाँ पर जो है टू तो ए लेसर एक्सटेंट जो है वो बिजनेस टू तो बिजनेस डीलिंग जो है वो भी फ़र्क है यानी एक तो कंज्यूमर बिहेवियर ना कंज्यूमर और हाउस होल्ड का एक जो है बिजनेस टू बिजनेस वन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग टू दर उनके नगोशिएशन के तरीके उनके डिलीवरी का स्केजल ये सारी चीज़ें फर्क हैं इसी तरह से जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर ये बिजनेस सिस्टम्स हैं पर्टिकुलरली बैंकिंग सिस्टम अब आहस्ता आहस्ता इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है लेकिन वहाँ के सिस्टम बड़े सेट हैं और ना सिर्फ ये बैंकिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एम्पलीमेंटेशन ये सारे के सारे जो हैं वहाँ पर फर्क है हमसे दे व डिफर फ्राम कंट्री टू कंट्री इसी तरह से प्रोडक्ट फार्मोलेशन है क्वालिटी कंट्रोल है पैकेजिंग है एडवर्टीजमेंट है और uh, प्रमोशन के तरीके हैं पर्सनल सेलिंग है प्राइसिंग है ऑल दो सिस्टम्स ऑफ मार्केटिंग जिसको आप सेवन पीस कहते है, ये हैं ये फर्क है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सिमिलरली इफ यू सी द ट्रेड बैरियर्स हर मुल्क का अपना एक ट्रेड बैरियर है उन्होंने इम्पोर्ट रॉज बनाए हुए हैं टेरिफ इम्पोर्ट ड्यूटीज कोटाज किस कंट्री से माल लेना है किससे नहीं लेना है उनका जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो ये सारी चीजें जो हैं ये देर डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड दिस अमाउंट्स टू द डाइवर्सिटी और अगर आप सोशल और एजुकेशनल लें लिटरेसी लेवल बड़ा फर्क है अब लिटरेसी लेवल जो है उसका क्या असर है मार्केटिंग पर देखिए भाई अगर लिटरेट पॉपुलेशन होगी वो उसको लेबल को अच्छी तरह से पढ़ सकेगी जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है उसको पढ़ सकती है इसका कॉन्टेंट क्या है इसमें इन्ग्रीडिएट्स क्या है इसके प्राइस क्या है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है एडवर्टीजमेंट की जो है ना उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं प्रिंट एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं और अगर इलिटरेट होगी पॉपुलेशन किसी कंट्री की तो फिर क्या होगा फिर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाना पड़ेगा कि वो वी देखें और समझें पढ़ तो नहीं सकते वो अखबार और मैगजीन और प्रोफेशनल मैगजीन नहीं पढ़ सकते तो लिटरेसी लेवल इस अगेन अ फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी इट इज डिफरेंट फ्रॉम देर आर यू नो एडवांस कंट्रीज जहां पर लिटरेसी लेवल परसेंट है वो 99 परसेंट और एक ऐसे कंट्री में भी जाएंगे अफ्रीका में जहां पर के वो सही ट्वेंटी परसेंट होगा ट्वेंटी फोर्टी परसेंट होगा तो यू हैव टू अकोमोडेट दीज डिज इन योर मार्केटिंग रिसर्च इसके इंप्लीकेशन क्या है भाई जहां लिटरेट लोग नहीं है वहां आप मेल्ड क्वेश्चनर कैसे भेज सकते हैं फिर वहां जाके आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा लेकिन अगर लिटरेट पॉपुलेशन है क्वेश्चनर को समझ सकती है रिसर्च माइंडेड है वो आपके क्वेश्चनर को पढ़ भी लेगी उसको जवाब भी दे देगी और वो रिसर्च की वैल्यू को समझते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेगी तो इसलिए इन सारी चीजों को हमें देखना होता है कि क्या डाइवर्सिटीज और कंप्लेक्सिटीज हैं और उसके मुताबिक हमारी जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है उसके लिए क्या इम्प्लीकेशन हैं अब ये देखना है कि इंफॉर्मेशन नीड्स अब इंफॉर्मेशन नीड्स क्या कह रहे हैं हम कि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या मेन टॉपिक हैं जो हम देखते हैं जो हमारे प्रॉब्लम बनते हैं जो हमारे रिसर्च के प्रॉब्लम बनते हैं उनको हम फोकस uh, करेंगे कि ये ये चीज़ें जो हैं वो हम करते हैं अगर चाहिए थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली तो सारी वो चीज़ें हो सकती हैं जो हम डोमेस्टिक मार्केट करते हैं लेकिन देर आर सटन टॉपिक्स वेर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर आई इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च और उसमें यानी वो रिवॉल्व तो उसी के गिरद करते हैं सेवन पीस के बारे में लेकिन जब हम दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो फिर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम पर्टिकुलरली प्रोव करते हैं और दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू द मार्केट रिसर्चर इंटरनेशनल मार्केट रिसर्चर वो क्या है वो है नंबर वन विच मार्केट टू एंटर एंड विच सेगमेंट टू टॉर्गेट विच मार्केट मीन इंटरनेशनल मार्केट आप टेक्सटाइल मैनुफैक्चर हैं आप शैम्पू बनाते हैं आप मोबाइल फोन कंपनी है आप खिलौने बनाते हैं आप जूते बनाते हैं आप लेदर गार्मेंट्स बनाते हैं आप स्पोर्ट्स क्यूर्स बनाते हैं बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं जो भी आप बनाते हैं हर प्रोडक्ट की एक रेलिवेंट मार्केट है दुनिया में तो आपको ये देखना है कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जो आपकी मार्केट बन सकते हैं और जाहिर है कि हर मार्केट जो है वो आपकी मार्केट नहीं है आपको पहले ये रिसर्च करके मालूम करना है कि आपका जो मार्केट है वो कौन सी कंट्री है बस जगह आपके एडवांस कंट्रीज होंगी बस जगह लेस एडवास कंट्रीज होंगी बस जगह, जगह जो है वो बिल्कुल लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी कहीं आपके पॉलिटिकल जो है वो मरासम होंगे उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो आपके प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे प्रमोट करेंगे तो रिसर्च के जरिए से हमें यह मालूम होता है कि विच मार्केट टू एंटर एंड देन विथ पर्टिकुलर सेगमेंट विथ पर्टिकुलर सेगमेंट टू टारगेट पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होता है ये प्राइम कंसर्न होता है फिर विच मोड ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशन शुड बी अडॉप्टेड फॉर स्पेसिफिक मार्केट्स। मोड ऑफ एंट्रीज क्या है कई तरीकों से आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका एक्सपोर्टिंग है आप बैठे रहिए या एक्सपोर्ट करते रहिए लेकिन पता नहीं इसमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी uh, होती है फिर एक तरीका है कि आप वहाँ पर अपना जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर या अपना ऑफिस खोल लीजिए अपनी प्रोडक्ट्स भेजिए वो लोकल नेटवर्क के ज़रिए से वो प्रोडक्ट भेजता रहता है वहाँ बेचता रहता है उनकी अपनी सेल्स फोर्स होती है और वो आपके ब्रांड को प्रमोट करता है और एक तरीका है कि आप वहाँ जाके फैक्ट्री लगा दीजिए वहाँ की लेबर को एम्प्लॉय कीजिए और एम्प्लॉय करके वहाँ पर आप उन जो है वो मार्केट को सर्व कीजिए यानी एक तरह की आप मल्टीनेशनल लोकल फॉर्म वहां होंगे इसके अलावा आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं लाइसेंस दे सकते हैं कि वहां वो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वहां बेचे कोई और पार्टी तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं आपने भी के जरिए से ये डिटरमिन करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए लेस एक्सपेंसिव और ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये आपने देखना है तीसरी चीज बट शुड बी दाइम इज फॉर एंट्री अभी आप सर्दियों में जाएंगे गर्मियों में जाएंगे या ऑटम में जाएंगे स्प्रिंग में जाएंगे इस साल जाएंगे अगले साल जाएंगे जो फॉरन चले जाएंगे यानी एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब आपको वहां एंट्री करके आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिले तो यू हैव टू डिटर्मन फिर देखना पड़ता है वहां का है ना वो कंपेटिटिव एनवायरमेंट क्या है वहां इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में तो नहीं है वहां भूम में है तो ये सारी चीजें आप रिसर्च के जरिए से मालूम करके यू डिटर्मन टाइमिंग फॉर एंट्री कि दिस टाइमिंग वुड बी द बेस्ट फॉर अस कि हमें बहुत जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी और हम अपनी प्रोडक्ट को वहां इंट्रोड्यूस कर सकते देन आपको ये देखना है कि मार्केटिंग रिसोर्सिस जो हैं वो मुख्तलिफ सेगमेंट या मुख्तलिफ कंट्रीज या मुख्तफ मार्केट्स के दरमियान किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन करनी है मिसाल के तौर पर आपने दो कंट्री चूज़ की एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है दोनों में आप और आपके रिसोर्स तो बाहर लिमिटेड होंगे तो किस में ज्यादा रिसोर्स हमें जो है वो यूटिलाइज करने चाहिए जिसमें ज़्यादा पोटेंशल होगा और जिसमें पोटेंशियल कम होगा वहाँ पर हम रिसोस कम करेंगे या ऐसे भी होता है कि रिसोसेज आपको पता है फिनंशियल रिसोसेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं तो किसी जगह पे ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा ट्रेन मैन पावर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कहीं पर कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाना चाहिए तो दिस ऑल कम्स थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग और रिसर्च और फिर आपको वहां पर अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए उसके बाद आपने ये भी देखना है कि वहां पर आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है मॉनिटर कैसे करना है वहां की परफॉर्मेंस कैसी है टारगेट मार्केट ठीक चल रही है वहां क्या चेंजेस लानी है क्या नहीं लानी है और ये भी आपने रिसर्च के ज़रिए से मालूम करना लेकिन बिगिनिंग में ठीक है विच मार्केट्स टू एंटर जो पहली बात है इससे पहले आपको वहां के एनवायरमेंट की स्टडी करनी है और ये देखना है कि कहां अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है और बतौर एक मार्केटर और मार्केट रिसर्चर के आपको ये देखना है कि वहां सप्लाई और गैप में कितना डिमांड है कौन सा कंपेटेटर है क्या वहाँ वहां जो है प्रोवाइड कर रहा है कौन सी डेफिशेंसीज हैं क्या उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर है क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है कितना उस मार्केट में पोटेंशियल है और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ उस मार्केट में जाके आप कॉस्ट पर क्वालिटी पर आप प्रॉपरली उसको कंपीट करके आप अपनी मार्केट कैप्चर कर सकें तो ये सारी चीजें और उसके लिए आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है वहाँ के कल्चर की स्टडी पर्टिकुलरली आपको करनी पड़ती है कि लोग लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है लोगों का जो है इकनॉमिक कंडीशन क्या है लोगों की एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का पर कैपिटल इनकम क्या है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट्स का लेवल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ऑल द थिंग्स मस्ट बी स्टडीड एंड दिस आर द पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑन विच वी कंडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च तो ये चंद एक टॉपिक हैं जो हमें वहां पर करने हैं इसके अलावा भी तो जब आप वहां इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में मॉडिफ़िकेशन क्या आनी चाहिए प्राइस में मॉडिफ़िकेशन क्या आनी चाहिए वहां पर जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए उनका कमीशन क्या होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें आप फिर एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और उसके दौरान भी आप मार्केटिंग रिसर्च करते रहते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल वेरिएबल क्या हैं जो हम इंटरनेशनल मार्केट में जा स्टडी करते हैं और ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जिस तरह से आप जानते हैं कि मार्केटिंग अनवायरमेंट्स में चंद चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं यानी कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखते हैं हम पोलिटिकल इन्वायरमेंट देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट देखते हैं सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और सारे का जो है वो हमारे लिए इनपुट होता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटी बनाने के लिए तो यही चीज़ें हम सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगली कंट्री जिसमें हम जाना चाहते हैं वो मालूम करते हैं कि ये डेटा क्या है और ये डेटा मार्केटिंग रिसर्च के जरिए से आता है इकनॉमिक वेरिएबल्स में मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहते हैं कि वहाँ इकनॉमिक वेल्थ कितनी है और मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स क्या हैं माइक्रो लेवल क्या है पोटेंशियल क्या, क्या है ये हमारा इंटरेस्ट होता है और मालूम हम क्या करते हैं वहाँ की जी पर कैपिटल इनकम देखते हैं कि लोगों के पास इनकम कितनी है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है वहाँ इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं ये चीज़ें हम इकनॉमिक वेरिएबल में देते हैं क्योंकि इससे डिटर्मन होगा कि लोगों के पास पैसे कितने हैं हमारी प्रोडक्ट खरीदने के अहल हैं कि नहीं है पोलिटिकल इन्वॉमेंट हम क्यों देखते हैं उसकी कि हम वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं याद रखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स को आप जुदा नहीं कर सकते मुल्कों के तलाक अच्छे होंगे गवर्नमेंट्स के तलकित अच्छे होंगे तो कंट्री टू कंट्री प्रोडक्ट इंपोर्ट होगी एक्सपोर्ट होगी और वहाँ पर ट्रेडिंग और बिजनेस होगा तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं और वहाँ का देखते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क कितना है और गवर्नमेंट के एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स बिजनेस टूवर्ड्स योर कंट्री एंड हाउ डू वी रिलेट टू दैट कंट्री हमारी क्या रिलेशनशिप उनके साथ है तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं मसून बाज कंट्रीज है वहां पर बड़ी फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट बदलती रहती है हर गवर्नमेंट आती है उसका नया जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो तलक नए बनाती है बिजनेस के बारे में उनका व्यू होता है तो ये हम चीजें देखते हैं लीगल इन्वामेंट में भी हम इंटरेस्टेड होते हैं यानी वहाँ के लॉ जो हैं वहां पर लीगल रिस्क कितना है वहां पर मिसाल के तौर पर एक लॉ होता है जो इस फिलासफी को प्रमोट करता है जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री फ्लरिश हो नतीजा क्या होता है बाहर के इंपोर्ट्स को बैन कर देता है जैसी कैसी भी है आप अपनी प्रोडक्ट खरीदें बाहर जो मुबादला ना खर्च करें तो ये भी आपने देखा वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं और वहाँ पर स्ट्रेटजीज में किस तरह से इम्पोर्ट होती है और ये चीज़ें हम वहाँ के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लॉज टैरफ नॉन टैरिफ बैरियर्स टैक्सेस कापी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाज ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं और सोशो कल्चरल इन्वायमेंट में क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर उस कल्चर का कॉन्टेक्स्ट क्या है और कंटेंट क्या है लोगों का रवैया क्या है उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क क्या है रिलीजन क्या है लैंग्वेज क्या है लिटरेसी लेवल क्या है वैल्यूज़ क्या है वर्क एथिक्स क्या है और फैमिली रोल ऑफ वमेन और जेंडर रोल क्या है ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं और आखिरी चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी मुल्क में अगर आप टेक्नोलॉजिकल जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वहाँ का स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है वहाँ अवेलेबल मीडिया क्या है हर मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कितना है प्रिंट का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा है इंटरनेट का ज़्यादा है तो अनर्जी कॉस्ट क्या है वहाँ पर बिजली पैदा होती है नहीं होती है कितनी होती है और कंप्यूटराइजेशन कितनी है वहाँ पर और टेलीफोन की तादाद कितनी है वहाँ फैक्स मशीन और मास मीडिया ये सारी चीजें इनका प्रेजेंस कितना है ताकि उनकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकें तो ये चंद एक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जिसमें इंटरनेशनल मार्केटर और कंसिक्वेंटली इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च जो है वो इंटरेस्टेड होता है क्योंकि इन्हीं डेटा के बेस पर उसने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है और डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कंट्री में मैं एंट्री करूं और किस सेगमेंट को मैं टारगेट करूं इन चीज़ों को हम बखौर स्टडी करते हैं और इसके तरीके जो हैं वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से मालूम करते हैं डेटा कलेक्शन दो तरीक़ों से की जाती है आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें सेकेंडरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सेकेंडरी डेटा से लेते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में और उनकी कंट्री रिपोर्ट्स होती हैं उनके जो है ना वो एम्बसीज होती हैं उनकी जो है ना वो सोशल कल्चरल रिपोर्ट्स होती हैं उनकी उनके मूवीज होती हैं उनके न्यूज़पेपर्स होते हैं और सीरीज मिलते हैं ये सारा सेकेंडरी डेटा होता है और वो सेकेंडरी डेटा आप स्टडी करके तो आप इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसको कंटेंट एनालिसिस कहते हैं कि आप प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो चीज़ें लेकर उनको देख कर ऑब्जर्व करके पढ़ के तो कुछ नतीजा निकालते बाकी जो दूसरा मेथड है वो प्राइमरी मेथड है प्राइमरी मेथड में हम यूजअली सर्वे करते हैं सर्वे मेथड्स होते हैं और उन सर्वे मेथड में इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए चंद एक मेथड जो हैं वो टेलीफोनिंग इंटरव्यू है इलेक्ट्रॉनिक सर्वे है और मॉल इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं आप मेल क्वेश्चनियर भी कर सकते हैं आप इन होम पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब टेलीफोन इंटरव्यू जो है इसका इस्तेमाल जो है अब बढ़ रहा है बढ़ क्यों रहा है एक तो मोबाइल टेलीफोन बहुत ज़्यादा आ गया दूसरा यह है कि टेलीफोन को आप जो है ना वो कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जिसको हम कहते हैं कैटी या कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगरचे पास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में रूरल एरियाज में अभी कनेक्टिविटी नहीं है और वहां आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते लेकिन दुनिया के तमाम ममालिक में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें आपको टेलीफोन अवेलेबल है और और उसमें मोबाइल अवेलेबल है आप टेलीफोन इंटरव्यू को इस्तेमाल बड़ा ईजीली कर सकते हैं डिस्टेंस पर बैठे हुए आप बात कर सकते हैं इंटरनेट को आप यूज़ कर सकते हैं ई को आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ जो है कंप्यूटर है और ये एक बहुत बड़ा सस्ता और क्विक तरीका होता है जिससे कि आप इंटरव्यू या क्वेश्चनर जो है भेज सकते हैं अब जो इन होम पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, ये बड़े लिमिटेड हैं और जाहिर है इसको क्या करना है आपने इसको वहां के लोकल लोग इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे आप नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड टू मास्टर द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डू दिस इन होम पर्सनल इंटरव्यूइंग। सो यू रिक्रूट द पीपल फ्रॉम देयर यू गिव दम और इंटरव्यू गाइड एंड टेल टू यू नो इंटरव्यू दैट सैंपल ये भी एक तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मेल्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं बाय मेल लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ट्रांसलेशन का है और बात हम एक जुबान से दूसरे जुबान में ट्रांसलेट करते हुए गलतियाँ कर जाते हैं और वो सेंस कन्वे नहीं कर पाते जो कि हमें करनी चाहिए ना इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्चर के पास प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है उसी को वो यूज करता है जब वो इसको यूज करता है तो उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहिए आप लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो गलतियां भी करते हैं। इसके एक दो तरीके हैं एक को तो कहते हैं बैक ट्रांसलेशन और दूसरे होते हैं मल्टीपल ट्रांसलेटर बैक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन करता है और फिर दूसरी लैंग्वेज से ओरिजिनल जो है वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कहीं उसको हैंडी कैप होगा कहीं उसको मुश्किल होगी जहाँ कोई गलती करेगा वो सामने आ जाएगी कि जब उसने पहली जुबान से दूसरे में किया तो ये तर्जमा था जब उससे वापस किया तो ये तर्जमा हुआ तो वहाँ पर एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं और उसको ठीक किया जा सकता है या ये होता है कि जिसको कंपोजिट या मल्टीपल ट्रांसलेशन कहते हैं कि आप एक ग्रुप को दे देते हैं कि हाँ ये बंदा भी करेगा ये बंदा भी करेगा ये बंदा तीन चार लोग ट्रांसलेट उसको करते हैं और फिर उनको मिला के आप एक अच्छी ट्रांसलेशन बना लेते हैं और वो एक बेहतर ट्रांसलेशन होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अब मॉल इंटरसेप्ट भी है ये एक तरीका है मॉल इंटरसेप्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो मॉल इंटरसेप्ट जो है आपको पता है कि क्या होता है शॉपिंग मॉल पे जाके इंट्रोड्यूस करना और इसके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज जो हैं वो उन्होंने अपने दफातर बनाए हुए होते हैं वहाँ पर सारा कुछ उन्होंने वहाँ टेलीविजन रखा होता है किचन बनाया हुआ था और बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं जहाँ पर लोगों को जाके तो वहाँ पर वो उनका इंटरव्यू करते हैं अब ये तो इसके मेथड्स हैं और ये मेथड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अब ये इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करता कौन है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज करती हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करवाना चाहता है वो उन एजेंसीज को कहता है कि जी अपना रिसर्च डिज़ाइन बना के भेजो ये हमारा प्रॉब्लम है इस पे आप अपना प्रपोजल भेजो उस पे अपना डिज़ाइन बना के भेजो और अपना बजट दो वो प्रपोजल बना के भेजते हैं प्रपोजल के बारे में पहले बात कर चुके हैं और प्रपोज़ल के साथ वो कास्ट भी बताते हैं कि जी ये कास्ट होगी अब यह कास्ट जो है आ, देख हर क्लाइंट जो है वो देखता है सस्ता कौन सा है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि वो जो कास्ट उसने कम कोट की वो ठीक हो लीस्ट एक्सपेंसिव इज नॉट द बेस्ट ऑलवेज समटाइम्स मोर एक्सपेंसिव इज द बेस्ट तो यू है लुक एट द रिसर्च प्रपोजल या आपने जब आप रिसर्चर के तौर पर बनी है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च प्रपोजल बनानी है और उसके अंदर कम से कम कास्ट रखनी है ताकि आपके प्रपोजल भी अच्छी हो कॉस्ट भी अच्छी हो और आपको जो है वह सिलेक्ट कर लें और आप के प्रोसीजर अच्छे हों और प्रपोजल आपकी कन्विसिंग हो तो ये

And marketing research course for our university. Do you really think that marketing research is uh, essential for marketing? Absolutely. I mean, especially in marketplaces where uh, a lot of the consumer motivations are unknown. And that includes areas both in the developing world where people still don't know exactly what people in rural Pakistan do or exactly why people buy this different type of toothpaste or why they buy or use this type of telephone. Then research is important. If you don't know why, you can't help. Them to make better decisions, and, and also in the developing marketplaces where the decisions are far more complicated, uh, because there's so many influences by uh, media uh, that you need to understand what affects people in terms of their day-to-day -day life. And if you don't know that, the decisions you make in business are, are made on gut feel, which, if it's wrong, can be very, very costly. Mr. divide uh, you you have an estimate of total revenues that research industry is generating. Mm -hmm. For themselves in Pakistan and worldwide, if at all. Okay, uh, worldwide, I don't have a number. As I mentioned, our company is by far the largest at about five billion US dollars, um, and our nearest competitor is less than half of that, uh, so say two billion US dollars, oh, okay. uh, and they're the big ones. So I guess overall, you would be talking about uh, you know a, 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 a double-digit billion-dollar industry uh, globally. In terms of Pakistan, I have a very good idea. Uh, obviously, that's uh, that's my job, but it's uh, in terms of revenue. I would say last year probably about thirteen million US, which is actually very in small Pakistan. in Pakistan uh, for a marketplace. This year, I think we could be growing very, very fast, uh, and the marketplace could be worth more towards twenty million. Uh, of which I would say, in terms of split between the different companies, again we would take about half of that. Um, but in terms of uh, growth, we're growing pretty much. I would have said in line a little bit faster, maybe than the, the marketplace okay. now tell our students that what kind of uh, skills, knowledge, attitudes they should develop before coming to this industry, if at all they want to come to this industry and look for a career, what kind of qualification in skills and knowledge and attitude they should develop so that they can succeed in, the, in this uh, research career. okay. Um, as a business, we employ about close to 600 people at any one time. So there's a large amount of people. In terms of uh, we split our individuals into uh, people who collect the information etc, um, and that's uh, that, that skill set obviously is is not uh, not as high. Uh, having said that, there are some specialists in terms of qualitative uh, interviewing uh, which requires people to be uh, to have a good knowledge base of of other humans' feelings and things like that psychology psychology and this kind of thing uh, that's a very specialized field very underdeveloped very underdeveloped and, and quite Poorly done, to be honest, in Pakistan. So, there's something we should be focusing on to bring the level of skills up. Very exciting part of the business. Having said that, in our servicing area, which is interacting with our clients, which is probably the main area that your students will be interested in working, we call it client service. It's a very unusual attribute that you need. You need to be good at information, collecting, understanding, and analyzing information. You need to be good at time management because you're talking about very large projects at any one time that you need to manage but most importantly for me you need to be good at understanding the client's business so if anything the best market researcher will be somebody who understands the client more than they understand the research yeah? in a business when you're when you're working for a small market research agency you need to understand all the methodologies you need to understand all the process but when you work for a larger market research agency the process and the, the what we call the back end to the collection is done by another division how do you compare Indigenous or domestic market research with the international market research. In terms of the challenges, we we're struggling with the resource of qualified uh, people. So I said we've got 80 people, but out of that 80 people, the average age is quite young. You know, so it's a good team to work with. They're all motivated. They're very happy, etc. But in terms of uh, high-end people to uh, to work with our clients, that's a struggle. Which is why what I just spoke about, we send people out, bring them back in again to fast-track that development. But that's a challenge. Because a client will be asking for understanding of research methodologies, which we don't have in Pakistan. We well, we do, but only a few individuals. So we have to spread them very fine across clients. So that's a challenge. The second challenge, which to be honest is probably more difficult, is the clients themselves. They don't know exactly what they want. If you go to the UK, where I come from, they've been doing research every year. It's a huge industry, so they know exactly what they want every year, and they say, "I want this. I want you to do it this way, etc." So therefore, to be honest, you're repeating what they did last year or adding another number to it, etc. but in terms of the methodology and everything, it's already been decided. in pakistan, they think they know, but they're not really sure. they need your advice. and therefore, i think actually that's a very positive place for us to be, because if we can add value to the information, actually be a consultant with the client and talk to them about, not about research. The research is just a tool to give you the decision. let's talk about the decision. and that's the challenge we're facing now. But it's a positive challenge because with a lot of clients, when we sit down and we say, Don't worry about the numbers, maybe we don't even show you the numbers. Let's just talk about strategy. If I talk to you about strategy and I can help you make the right decision, you don't even have to know where the numbers come from. And that's where we're approaching in Pakistan. And we're moving very fast in that direction. That's quite exciting, but it is a challenge. What is the future of marketing research in Pakistan and in the world? The future of market research in this country will be the development of more sophisticated research, for sure. That's the, uh, the key. There's, there's two areas, really. Uh, one is the technology. Technology will drive research. As people become more savvy on the internet, there'll be more internet research. As people, to be honest, shut down their front doors, which happens in most countries now uh, – I came from – I was in Hong Kong for many years – you can't do door-to-door -door interviews. It's impossible. You, everyone lives in high-rise apartments. You knock on the door, the security guard won't even let you in. So you can't do door-to-door so that will start to develop the bigoted communities, developing, etc. so the methodologies will need to change and will be driven by technology, which is an exciting thing because it enables a lot of uh, more exciting types of research. but that will happen, as it has already in other countries uh, around not just in, in developed countries, but also in other south asian countries as well. that's one area which will develop. the second area which will develop is the sophistication of the consumer. so at the moment, to be honest, uh, if m most families, their consumption or their purchase is quite a basic requirement. You know, how they buy their first mobile phone is not actually too difficult to understand. It's all driven by the marketing and the TV. How do they buy their fifth one or how do they buy their second SIM card, you know, etc.? That's quite a complex decision. So, as those decisions happen, your research needs to be more complex to understand it. So, that's the second thing that will happen. I'll give you an example. Maybe a few years ago, a, a generation ago in Pakistan why did somebody buy a particular brand of shampoo versus why does somebody buy a particular brand of shampoo in lahore city today very different the motivations for them to purchase it the influence of different things different. is very very different before for us to understand why they bought the shampoo wasn't very difficult we could go and ask them we could get an understanding they say well actually my mother told me which is normally the reason now they don't even listen to their mothers. Wow. It's all to do with the TV. They have how many channels can they watch now? So there's multiples amount of TV. They've got online. They've got a lot of external factors from other countries. So as all that happens to change your motivation to purchase something, the research has to be able to understand that. So it has to be far more complicated. The qualitative research has to be far more detailed and in-depth to be able to pull the insightful information out to help our clients. So there are the two things. Technology, which will drive it. And the consumers themselves, which will become more savvy as well. And we're going to have to catch up with those things. Taking inflation as constant, do you think uh, marketing research will be rather less expensive or more expensive in the future? Okay, that's an interesting question. Will it be more expensive or less expensive? I, I don't like to talk about expense. Yeah. yeah, and I'd say to a client, to be honest, when, uh, when somebody buys market research from Nielsen, it doesn't cost them anything because it's an investment now what you get out of the good research will give you multiple fold of what you put into it will that, in, that return on your investment get bigger yes as, as people get more savvy in research and they start to use some of the new methodologies that we have in pakistan now their understanding of the consumers will make them get much more profitable growth in their business so therefore they will get a larger return on investment will the, the cost of this of the market research cost more because of that yes would you like to give some message to our marketing research students in terms of their you know uh, preparation in terms of their interest and motivation and, and you know careers in research anything that you want to say to them okay, okay. Uh, what i would say let me think really in terms of uh, where i've come from as, as an individual now looking after uh, the research uh, division of nielsen within Pakistan, is that when I left college, I had no idea about research at all. But then, as I was lucky enough to join the company, I started to understand what Nielsen does as a business and what market research is all about. And that's interacting with multiple people on our client side about their business decisions. There's no better place to be. Think about it. If you would like to be a consultant, consultants will take a brief from a client and they will try to understand to give back the Information. My clients, our client service people in, uh, in Nielsen in Pakistan, every day they get multiple briefs. Every day they talk to somebody about the development of toothbrushes, the development of mobile phones, the development of the health sector, etc. So they're talking to very senior people, CEOs within businesses, and they're using the data, the information they collect as a backbone of their consultancy. And that's a very exciting place to be. Every day they're thinking about something different, it's always exciting, etc. And to be honest with you, it's a very nice sized business. Some uh, industries are so large that you can't get out of Pakistan. But market research, as my example, I've been now in six different countries and I'm still quite young. <laughs> so I've been working across country to country to country, taking the challenges that are open to me. And the reason for the success of Nielsen, as well as uh, for myself, to be honest, is always listening to the client and working for them rather than working for market research. Thank you very much, Mr. Divide. It was a pleasure to talk to you, and it, I hope that this interview would be, a, you know, give a lot of motivation to our students. I and I personally learned quite a bit about the research industries.: Thank you very much. Yeah, thank, you. Okay. Thank, thank. you. Thank you very, thank very much. much. Ab आपने interview देखा, और उसमें आपने देखा के research industry, or particularly the marketing research industry, जो दुनिया में कैसे है, और Pakistan में कैसे है कि कि के रिसर्च होती हैं. कितना इससे रेवेन्यू जनरेट होता है और कौन कौन सी इसमें जो है वो आपके आपके लिए पोजिशन अवेलेबल हैं आप अगर वो रिसर्च को अपना करियर बनाना चाहें तो उसमें आप कहाँ से एंटर हो के कहाँ तक पहुँच सकते हैं और एक एक दिन आप इनकी पोजिशन पर भी पहुँच सकते हैं यानी रिसर्च अब एक रिकगनाइज कैरियर है और उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अब स्टूडेंट्स हमने ये कोर्स तकरीबन ख़त्म कर लिया अब चंद मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये रिसर्च जो आपने कोर्स पढ़ा है इसके पढ़ने के बाद अब आपको क्या क्या कर लेना चाहिए चंद चीजें मैंने आपको बताई और अगर आपने इस कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये चीजें अब आपको कर लेनी चाहिए देखिए याद कर लेना और बात है असल में करना और बात है आपको ये काम प्रैक्टिकली करना है ये रिसर्च कोर्स प्रैक्टिकल है राटिकल नहीं है कि आप थ्योरी याद कर लें और बस नहीं आपको एक्चुअली ये प्रोजेक्ट छोटे मोटे ऑन योर ओन जो आपको कहता है करें या आप खुद अपने शौक से करें और देखें कि जो रिसर्च कोर्स में पढ़ा है इसको अमली जामा कैसे पहनाना अब चंद चीज़ें जो मैं आपसे तो रखता हूँ कि हर स्टूडेंट जिसने ये कोर्स पढ़ा है उसको ये काम आने चाहिए सबसे पहला काम रिसर्च प्रोसेस को दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैनेजमेंट किस प्रॉब्लम में फंसी हुई है जहाँ उसको रिसर्च की जरूरत है रिसर्चर कहाँ उसकी मदद कर सकता है और ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं काहे बकाहे आपको बताता आ रहा हूँ रिसर्च का क्या काम है रिसर्चर एसिस द मैनेजर इन मेकिंग द डिसीजन मार्केटिंग डिसीजन ये काम है हमारा हम डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके उसको कहते हैं जी ये कुछ मार्केट में इसकी लाइट में आपने जो है वो आ, अपना डिसीजन करना है एंड दैट यू नो रिसर्च वुड सपोर्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मार्केटिंग रिसर्च को जो मुश्किल पेश है जो डालामा पेश है जिस सिचुएशन में है वी हैव टू हेल्प एंड सपोर्टिंग इन द कंफर्टेशन ऑफ दैट एंड मेकिंग अ साउंड डिसीजन विच इज इन दफ मार्केटिंग दूसरी चीज आप उनसे डिस्कस कर लें फाइनलाइज कर लें कि मार्केटिंग रिसर्च का प्रॉब्लम ये है कि जी मुझे ये करना है आप ये बता रहे हैं मुझे और इस तरह से मैं जो रिसर्च करूंगा डेटा कलेक्ट करूंगा आपको डिसीजन मेकिंग में किस तरह से ये सपोर्ट करेगा फिर यू शुड बी एबल टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टॉपिक तो एक हुआ ना रिसर्च प्रॉब्लम एक है बहुत बड़ा दो लाइनों में कह दिया अब आपने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लिखने हैं जो किसी टॉपिक से निकलते हैं कि मुझे करना क्या है उसके बाद आपने रिलेटेड लिटरेचर पढ़ना है पुरानी रिसर्चेज पढ़नी है रिपोर्ट्स पढ़नी है एकनॉमिक डेटा लेना है पोलिटिकल डेटा लेना है आपके टॉपिक से जो मुतलिक है इसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी डेटा तो बिफोर यू यू नो एम का मान कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द फील्ड वी हैव टू स्टडी द सेकेंडरी डेटा एंड सच सेकेंडरी डेटा कम फ्राम द रिपोर्ट्स फ्राम द इंटरनेट फ्राम द डेटा बेसिस फ्राम द जर्नल्स फ्राम द न्यूज पेपर्स फ्राम द बुक्स फ्राम द सीडीज फ्राम दू नो इंटरनेशनल रिपोर्ट ये आपने पढ़ना है और अपनी वी एन और अपने इनसाइट को ब्रॉड करना है और उसके नतीजे में आपको थ्रेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है वो क्या होता है अगर आपके कुछ वेरिएबल हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखना है और ये बताना है कि आपके रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं ये कैसे होगा डिस्कशन और सेकेंडरी डेटा पढ़ के होगा तो सेकेंडरी डेटा पढ़ें और आपको वो भी बताया था मैंने कि ए पी स्टाइल में आपने लिखना है उनकी नोटेशन करें डॉक्यूमेंटेशन करें थ्रेटिकल फ्रेमवर्क बनाएं और अपने हाइपोथेसिस बनाएं और क्या कर सकेंगे आप, आप डिसाइड कर सकेंगे कि रिसर्च डिजाइन में क्या है रिसर्च डिजाइन में आप डिटर्मन करेंगे कि आपकी रिसर्च जो है वो तो डिस्क्रिप्टिव है काजल है एक्सप्लोरेटरी है कॉ है क्या है उसके मुताबिक आपको डिज़ाइन बनाना है डिज़ाइन में क्या करेंगे आप डिज़ाइन में आप फैसला करेंगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या है प्राइमरी डेटर ओपिनियंस पे है किस चीज़ पे है ऑब्जर्वेशन है क्या है तो नेचर ऑफ डेटा डिटर्मन करेंगे पॉपुलेशन डिटर्मन करेंगे पॉपुलेशन फ्रेम डिटर्मन करेंगे फिर सैम्पल साइज डिटरमिन करेंगे फिर आप उसके सैम्पलिंग मेथड डिटरमिन करेंगे किस मेथड से रैंडम से स्टेटिफाइड से कोटा से सिस्टमेटिक से कन्वीनियंट से किस मेथड से आप सैम्पलिंग करेंगे और वो एक्चुअल सैम्पलिंग आप करेंगे सैंपल आपने सिलेक्ट कर लिया अगला क्या काम करेंगे आप फिर आप फैसला करेंगे इंटरव्यू करना है मेल क्वेश्चनर भेजना है टेलीफोनिक इंटरव्यू करना है ऑब्जर्वेशन करनी है एलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू करना है मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन आप डिटरमिन करेंगे कि आपके लिए कौन सा रेलिवेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जब आपने ये डिटरमिन कर लिया अगला स्टेप क्या कर सकेंगे आप फिर आप वो मेथड यानी कि वो टूल या इंस्ट्रूमेंट उसको आप डेवलप करेंगे कि आपने क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चनर बनाएंगे और हमने आपको याद है कि पूरा दो तीन लेक्चर लिए थे कि अच्छा क्वेश्चनर कैसे बनता है उसकी लाइट में आप अच्छा क्वेश्चनर बनाएंगे उसकी प्रिटेस्टिंग करेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे प्रिंट करके कि ये मेरा जो है क्वेश्चन बन गया उसके बाद क्या करेंगे आप, आप फील्ड वर्क कर सकेंगे लोग हायर कर सकेंगे ट्रेन कर सकेंगे खुद फील्ड में जा सुपरवाइज कर सकेंगे मॉनिटर कर सकेंगे और जब जो है मॉनिटरिंग आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आप ये करेंगे डेटा आपका आ गया डेटा को आप एनालाइज कर सकेंगे और एनालिसिस के बाद एक अच्छी रिपोर्ट जो है आप लिखकर क्लाइंट के या मैनेज के हवाले कर देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आप ओवरल प्रेजेंटेशन भी दे देंगे और ये एक्टिविटी ये टास्क ये स्किल्स आपके पास आ जाएंगे और अगर आप ये नहीं कर सकते सिर्फ आपने रटा लगाया हुआ है और आप सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपने रिसर्च कोई नहीं सीखी तो रिसर्च इज़ इस प्रैक्टिकल कोर्स इसको प्रैक्टिकली करना है आप लोगों ने और जब कभी आपको मौका मिले तो आपने हेजिटेट नहीं करना आपने कहना जी लाइए मैं ये रिसर्च करके दिखाता हूँ मार्केट में जाता हूँ मालूम करता हूँ तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज, आज हमने इस कोर्स को मुकम्मल कर लिया और मैं आपको नेक विशेष देता हूँ और आपके लिए ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे रिसर्चर बन सकेंगे अल्लाह हाफिज